हेलो गाइज, संडे के इस टेक्निकल एनालिसिस में बिटकॉइन और कुछ ओल्ड कॉइन का चार्ट डिस्कस करें। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है रसिया और यूक्रेन वार से रिलेटेड, जो कि हमारी क्रिप्टो करेंसी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। सबसे पहले वही कवर कर लेते हैं। जर्मनी और नीदरलैंड यूक्रेन को इस वार में रसिया के खिलाफ अपने कुछ वेपन्स प्रोवाइड करवाने की बात कह रहे हैं। अगर वो वेपन्स के अलावा अपनी आर्मी भी प्रोवाइड करवाते हैं तो ये वर्ल्ड वॉर थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारी क्रिप्टो करेंसी ही नहीं बल्कि दुनिया की जितनी भी शेयर मार्केट हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमें क्रिप्टो करेंसी में फिर से एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिल सकता है। इस सिचुएशन में हमें टेक्निकल एनालिसिस के अलावा न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। एक छोटी सी न्यूज़ क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा बम्प भी ला सकती है और एक क्रैश भी ला सकती है, इसलिए न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। खास करके आपको इंडियन न्यूज़ चैनलों से दूर रहना है, जितने भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल हैं उन पे फोकस करना है। वो क्या बोल रहे हैं, कौन सी न्यूज़ निकल के आ रही है, उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अब बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको साफ बता दिया था कि 39,600 पे हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। BTC को यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। सेम वैसे ही हुआ, BTC में हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली। BTC का करंट प्राइस अभी 38,500 USDT चल रहा है। गाइज, अगर आपको ऐसा ही टेक्निकल एनालिसिस चाहिए जो आपको पहले ही पंप और डंप से पहले बता दे कि अभी पंप आने वाला है, अभी डंप आने वाला है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दें। ये आपको एक बहुत बड़े लॉस से बचा सकती है और एक बहुत बड़ा प्रॉफिट भी दिलवा सकती है। BTC के लिए अभी नेक्स्ट स्पोर्ट कौन सी हो सकती है वो डिस्कस कर लेते हैं। 37,800 पे इसके लिए पहली स्पोर्ट होगी। यहाँ पे स्पोर्ट बहुत कम चांसेस हैं BTC यहाँ पे स्पोर्ट ले और वापस से ऊपर जाए। गाइज, नेक्स्ट स्पोर्ट होगी BTC के लिए, जो स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है वही बताऊंगा मैं आपको, वो है 36,600 के एरिया में। यहाँ पे नेक्स्ट स्पोर्ट ले सकता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्पोर्ट ली, सेकंड टाइम यहाँ पे स्पोर्ट ली और थर्ड टाइम यहाँ पे, फिर इसको ब्रेक करके वापस से यहाँ पे स्पोर्ट ले सकता है। फिर से हमें BTC में एक रैली देखने को मिल सकती है। करीब 10 से 15% का पंप देखने को मिल सकता है। अगर BTC का प्राइस 36,600 के एरिया में आता है तो हमें ओल्ड कॉइन में एंट्री बना के रख लेनी है। गाइज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, BTC का प्राइस अगर 36,600 के एरिया में आता है तो हमें ओल्ड कॉइन में एंट्री बना के रख लेनी है। अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जा सकते हैं इस एरिया में अगर आप बाई करोगे तो। अब सीबा कॉइन का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सीबा का भी करंट प्राइस 0.2388 USDT चल रहा है। गाइज, आपको सीबा में एंट्री बनानी है तो फर्स्ट एंट्री आपको स्मॉल अमाउंट के साथ बनानी है, 0.2023 के एरिया में। इस यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट मिल सकती है इसको, पहली एंट्री यहाँ पे बना के रख सकते हैं। सेकंड एंट्री आपको येलो कलर की ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए एंट्री बना सकते हैं, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है 0.2050 के एरिया में। इस एरिया में आप सेकंड एंट्री बना के रख सकते हैं। थर्ड एंट्री आपको 0.2018 के एरिया में बनानी है। यहाँ पे गाइज, यहाँ पे प्राइस आने के बहुत कम चांसेस है, फिर भी आपको यहाँ पे कुछ फंड बचा के रखना है इसी एंट्री के लिए। अब डोज कॉइन का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। डोज में गाइज, अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं, फर्स्ट एंट्री आपको 0.12 के एरिया में बनानी है। इस एरिया में एंट्री बना के रख सकते हैं। अभी इसका करंट प्राइस 0.1249 USDT चल रहा है। यहाँ पे आपकी एंट्री बहुत जल्दी अचीव होने की उम्मीद है। सेकंड एंट्री आपको 0.1050 के एरिया में बनानी है, इस एरिया में। और थर्ड एंट्री आपको 0.087 के एरिया में बनानी है। यहाँ पे प्राइस आने के बहुत कम चांसेस हैं, फिर भी आपको फंड बचा के रखना है। बाय द वे, अगर मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आ जाता है तो आपका एक एवरेज बाइंग बन जाएगी डोज कॉइन में। अब WRX कॉइन का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। WRX कॉइन ने 0.574 के स्पोर्ट को ब्रेक कर दिया है। अभी 0.558 USDT पे ट्रेड कर रहा है। गाइज, अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इस कॉइन को बाई करना चाहते हैं तो 0.50 के एरिया में बाई कर सकते हैं। अगर इससे प्राइस और डाउन आता है तो 0.4 पे भी इसको बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। गाइज, वैसे तो मैं इसमें सुजेशन नहीं दूंगा आप इस कॉइन में एंट्री लें, अगर फिर भी आप एंट्री बनाना चाहते हैं तो मैंने दो पॉइंट बताते हैं, 0.5 और 0.4 के एरिया में लॉन्ग टर्म के लिए इस कॉइन में एंट्री बना के रख सकते हैं। अगर आपको हमारा टेक्निकल एनालिसिस रियल में पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर ठोक देना।